अब हम पढ़ेंगे क्रॉस जॉइन। MySQL क्रॉस जॉइन इज यूज्ड टू कंबाइन ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ द टू और मोर टेबल्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट दैट कंटेन्स एवरी रो फ्रॉम ऑल कंट्रीब्यूटिंग टेबल्स। ठीक है, द क्रॉस जॉइन इज ऑल्सो नोन एज कार्टिशियन जॉइन विच प्रोवाइड्स द कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड टेबल्स। द कार्टिशियन प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इज ऑल रोज प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय ऑल रोज प्रेजेंट इन द सेकेंड टेबल। इट इज सिमिलर टू द इनर जॉइन वेयर द जॉइन कंडीशन इज नॉट अवेलेबल विद दिस क्लॉज। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द फॉलोइंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन वेयर क्रॉस जॉइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल वन एंड टेबल टू एंड ईच रो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बोथ टेबल्स। क्रॉस जॉइन टेबल ए टेबल बी। ठीक है, टेबल ए देखिए वन इसका फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो इसके सारे रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा। देखो वन ए से है बी से है और सी से है। सेकेंड देखो टेबल ए का सेकेंड ए से है बी से है सी से है। थर्ड देखिए ए बी एंड सी सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, MySQL क्रॉस जॉइन सिंटेक्स देखो इसका सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल वन टेबल वन क्रॉस जॉइन टेबल टू। इन द अबव सिंटेक्स द कॉलम लिस्ट इन द कॉलम इन द नेम ऑफ द कॉलम और फील्ड दैट यू वॉन्ट टू रिटर्न एंड टेबल वन एंड टेबल टू इज द टेबल नेम फ्रॉम विच यू फैच द रिकॉर्ड्स। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ हमने दो टेबल्स लिए, एक हमने कस्टमर टेबल लिए और एक हमने कॉन्टेक्ट टेबल लिए। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं सेलफोन नंबर्स कॉन्टेक्ट आई डी कस्टमर आई डी ये कॉन्टेक्ट्स का है और कस्टमर नेम है। ठीक है, और ऑक्यूपेशन है और इनकम है क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब हमको करना है ये क्वेरी हम चला रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स क्रॉस जॉइन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखो ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड। ठीक है, जॉन मिलर डेवलपर इनकम और ये इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आई, ये इस रिकॉर्ड के साथ सेकेंड वाले के चारों रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, देखो ये जॉन मिलर की ये कितने टोटल फोर ये। ठीक है, जॉन मिलर का ये वन इसका पहले इससे तो ये आपकी सारी वैल्यू यहाँ तक आई है इसकी। ठीक है, ये हमने कुछ वैल्यू ली थी कुछ एक दो वैल्यू जो नहीं थी ये वो वाली वैल्यू भी आई है। ठीक है, पूरे ये स्टूडेंट टेबल आपकी नहीं आई थी जितनी वैल्यू आई थी उतनी। ये सिक्स कॉलम की एक्चुअली वैल्यू टेबल थी। इसके बाद हमने क्या करा सेकेंड वाला लिया सेकेंड वाले के लिए भी पूरा आया। ठीक है, फिर थर्ड वाले के लिए आएगा फोर्थ वाले के लिए आएगा। ये स्क्रीनशॉट है इसके आगे भी आपको रिकॉर्ड आएगा। व्हेन द क्रॉस जॉइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड यू विल ऑब्जर्व दैट इट डिस्प्लेस 42 रोज। इट मींस 7 रोज फ्रॉम कस्टमर टेबल मल्टीप्लाइड बाय द 6 रोज फ्रॉम द कॉन्टेक्ट टेबल। ये उसका एक जस्ट स्क्रीनशॉट है, इसके बाद भी इसकी वैल्यू आएंगी। मतलब कि इसका एक रिकॉर्ड इसके हर रिकॉर्ड के लिए आएगा। इसमें टोटल 6 कॉलम्स थे 6 रोज थी। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन इस तरीके से होगा। देन आपका सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन में क्या होगा, जब एक टेबल खुद से जॉइन होगी देन इट इज कॉल्ड योर सेल्फ जॉइन। अ सेल्फ जॉइन इज अ जॉइन दैट इज यूज टू जॉइन अ टेबल विद इटसेल्फ। ठीक है, जब टेबल आपको खुद से जॉइन करनी है तो हम क्या यूज करेंगे सेल्फ जॉइन। इसमें ये टेबल एलियास होते हैं, जैसे कि हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एज एस वन। ठीक है, तो इसको हम ये जो स्टूडेंट है इसको हम किससे डिनोट करेंगे आगे एस वन से डिनोट करेंगे, ये हम कहते हैं टेबल एलियास। ठीक है, इसका देखो सिंटेक्स सिलेक्ट ये टेबल वन को हमने एस वन कहा है और टेबल एस टेबल टू को हमने एस टू कहा, ये टेबल टू है। ठीक है, अब हमने लिया सिलेक्ट एस वन कॉलम नेम एस टू कॉलम नेम। फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल से हमने कॉलम लिए। फिर वेयर कंडीशन में हमने लिखा जब ये कॉलम एक कॉलम हमने लिया है कॉमन कॉलम जो दोनों टेबल में होगा वो अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या बताएगा आपको कॉलम नेम फर्स्ट और सेकेंड टेबल के आपको बताएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन मैच होगी उसके अकॉर्डिंग बताएगा। मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं टेबल टू मतलब क्या, मैंने अभी बोला था कि दिस इज टेबल वन और दिस इज टेबल टू सेल्फ जॉइन है। सेल्फ जॉइन में टू टेबल्स मतलब कि फर्स्ट टेबल ही रहेगी। ठीक है, जो फर्स्ट टेबल है उसी को हम एक बार टेबल वन को हम एस वन कह रहे हैं और टेबल वन को ही हम एस टू कह रहे हैं। दिस इज नॉट टेबल टू दिस इज टेबल वन बिकॉज इट इज सेल्फ जॉइन।
ठीक है, तो एक बार हमने उसको S1 बोला और एक बार हमने उसको S2 बोला, तो ये टेबल के अलियास बन गए क्या क्या, एक तो S1 अलियास बन गया और एक बन गया S2। एक ही टेबल को हमको दो टेबल की तरह कंसिडर करना है, इसलिए हमने एक बार उसका अलियास बनाया S1 और एक बनाया S2। या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, इक्वी ज्वाइन क्या होता है, इक्वी ज्वाइन देखिए, इक्वी ज्वाइन क्या होती है, अगर ज्वाइन कंडीशन जो है अगर इक्वल है, इक्वल टू ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड योर इक्वी ज्वाइन। एंड अदर देन इक्वल टू साइन इफ यूज इन ज्वाइन देन इट इज कॉल्ड नॉन इक्वी ज्वाइन। जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू अगर होगा तो दिस इज कॉल्ड नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, लेकिन इक्वी ज्वाइन के अंदर क्या होगा, और अगर इक्वी ज्वाइन है तो इक्वल टू साइन हम यूज करेंगे ज्वाइन कंडीशन के अंदर। ओके, इक्वी ज्वाइन परफॉर्म्स अ ज्वाइन अगेंस्ट इक्वलिटी और मैचिंग कॉलम्स वैल्यूज ऑफ द एसोसिएटेड टेबल्स। एन इक्वल साइन इज यूज्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर इन द वेयर क्लॉज टू रेफर इक्वलिटी। नॉन इक्वी ज्वाइन परफॉर्म्स अ ज्वाइन अगेंस्ट इक्वलिटी और मैचिंग कॉलम्स वैल्यूज ऑफ द एसोसिएटेड टेबल्स अदर देन एन इक्वल साइन इज यूज्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर इन द वेयर क्लॉज। तो इक्वी ज्वाइन में क्या होता है, ज्वाइन कंडीशन के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर यूज होगा और नॉन इक्वी ज्वाइन के अंदर अदर देन इक्वल टू साइन ऑपरेटर्स यूज होंगे। ओके,